नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल को आप वेरीफाई कैसे करेंगे और यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करने की आवश्यकता कब पड़ती है, उसको वेरीफाई करने से क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बताऊँगा, कुछ मिनटों में आप, एक मिनट में भी आप अपने यूट्यूब चैनल को आप वेरीफाई ईजिली कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले करूँगा छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाल रंग का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे के निशान को दबाइए ताकि इस तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी सीखने को मिलता रहे। चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले नंबर आपको मैं बता दूँ इसका बेनिफिट्स क्या है। यूट्यूब चैनल को अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप कस्टम थंबनेल आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, अपने वीडियो पर थंबनेल जो है आप खुद से बना करके आप नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस पर मैं क्लिक करता हूँ थंबनेल लगाने के लिए, वीडियो पे अपना इस पर क्लिक करता हूँ, कस्टम थंबनेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे होंगे कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका वीडियो में, वीडियो का तीन जगह से ये उठा करके आपको बताएगा कि कोई भी आप स्क्रीन यहाँ पे आप थंबनेल लगा सकते हैं, नहीं तो आप खुद से बना करके आप, बहुत लोग, सारे लोग अपना लगभग लिख करके अपना डिजाइनिंग में कुछ भी वीडियो के बारे में थंबनेल में खुद से बनाते हैं और उसको लगाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप थंबनेल यानी कि कस्टम थंबनेल आप खुद से बना करके अपना थंबनेल को आप नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नहीं लग रहा है। दूसरा चीज़ ये कि अगर आप चैनल वेरीफाई नहीं रहेगा आपका तो 15 मिनट से ज़्यादा का आप वीडियो को अपलोड नहीं कर पाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे और भी बहुत कुछ बेनिफिट है वो आपको चैनल वेरीफाई करने के बाद ही आपको मिलेगा। चैनल वेरीफाई करने के लिए सिर्फ आपको एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो कि उस पर OTP आएगा, उस OTP को डाल करके हम लोग इजीली वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए बेनिफिट के बारे में हम लोग समझ लिए इसका कि नहीं करने से क्या होगा और करने से क्या होगा, ठीक है। तो हम कस्टम थंबनेल पे इसी पे आकर के क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। लर्न मोर पर क्लिक करेंगे, आपको कहीं भी दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जाने के चैनल से भी अपना जा करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आसान तरीका मैं आपको बता दिया। और यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई यहाँ पर देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है, अकाउंट इज़ वेरीफाइड, ब्लू कलर का लिंक है, इस पर आप क्लिक कीजिए क्योंकि हम लोग को अकाउंट जो है वो वेरीफाई करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने बस ये नेक्स्ट स्टेप आ गया, बस यहीं पे आपका सारा काम हो जाएगा, कहीं भी ज़्यादा आपका टाइमिंग नहीं वेस्ट होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो तरीका ऑप्शन आपको बता रहा है कि टेक्स मी द वेरीफिकेशन कोड, यानी कि आप OTP आपको मैसेज में लेना चाहते हैं और तो आपको इसमें आपको टिक मार्क ऊपर में ही लगा हुआ है, पहले से आपको कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत कुछ लोग वॉइस में सुनना चाहते हैं कॉल में, ठीक है, तो चीज़ इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन सबसे ये ख़राब चीज़ है एक तरह से ऑप्शन, आपको ऊपर में ही टिक मार्क लगे हुए रहने देना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मैसेज आएगा OTP, उस OTP को आपको नीचे डालना है। आपका कंट्री कोड इंडिया, यहाँ पे मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया में मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है, जो लोग दूसरे कंट्री से होंगे वो अपना कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मेरा इंडिया है तो हम इंडिया ही अपना रहने दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा 10 डिजिट का, ठीक है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर रहे हैं, गेट OTP पे हम अब क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे 6 डिजिट का मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, देख रहे होंगे आप OTP आ चुका है, इस OTP को हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फ़ोन नंबर इज़ वेरीफाइड, कंग्रेचुलेसन योर फ़ोन नंबर हैज़ नाउ बीन वेरीफाइड, ठीक है। तो आप इस तरह से इजीली आप अपना चैनल को वेरीफाई कर पाएंगे। चलिए हम लोग अब बैक आते हैं और देखते हैं कि अब हमारा कस्टम थंबनेल जो है वो लगता है कि नहीं लगता है। अब यहाँ पे थंबनेल पे क्लिक करते हैं, फिलहाल बैक आ जाते हैं एक बार फिर से। अब फिर से हम क्लिक करते हैं, कस्टम थंबनेल जो है ये मेरा ऑन हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे थंबनेल मेरा काफ़ी सारा बनाया हुआ है। अब यहाँ से आप अपना थंबनेल को, आप यहाँ पर भी होगा जो भी फोल्डर में, आप अपना थंबनेल को आप सेलेक्ट करके आप लगा पाएंगे इजीली। आशा करता हूँ इनका आपको अच्छी लगी हो, चलो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, आपका दिन